أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویورز میں کاشف قاسم تاسو ته کې اپنا یوټیوب چینل کاشف سکواڈ تا جاسو بڑے مزے نے کلام تا بڑے خوبصورت انداز نے کلام سے سناسا اسن لکڑ دی شخصیت ہے ایک بھائی فیصل دا نو کلایا تے انہاں سے کیتی ٹائم دتا ہے اور نو جو چند کلام نو جڑے سنانے ہاں سننے ہیں جڑے تا خوبصورت انداز نال پیش کر سو تا جو سن کے دسنے تا ویڈیو نو جڑے رہو تے سبسکرائب کرو چینل تا جو سے دس जनाब भाई फैसला सर मौजूद न जी भाई फैसला क्या हाल है अलहमदुल्ला जी सेहत तबीयत कैसी है खैर मेरी सुमार अलहमदुल्ला सबसे पहले इन्होंने पूछने जी कि तुम शौक किस तरह पे है ते और चीज़ा तुम ये जरा तुम कलाम पढ़ने हो जी तुम किस तरह शुरू किया था क्या चक्कर है असली भाई तफसील में बताओ तको जी काशी भाई गल है कि माशाला सुमा अलहमदुल्ला बड़ी खुशी हुई है कि तुम कहना अपना यूट्यूब चैनल माशाला जारी सारी रखे अल्लाह ताला असं मजीद कमरानियां और कामयाबियां ता फरमान तो कलाम ने मल्ला गल की है कलाम ने मल्ला गल इस तरह है कि ये बस मियां मोहम्मद बख्शना कलाम अपनी जिंदगी ने मैं एक बहुत बड़ा एक सबक मौत टॉपिक टॉपिक जरा समझने मैं अपनी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मिकी सबक यानी कि इस तू मिलिया और दोबारा मेरे शौक भी सी और कुछ ऐसे हालात जिंदगी बच्चे गुजरे जिन्होंने मारे कहना है मैं ये चूज़ किया कि मैं एक दिन यानी कि कलाम बोल सा और दुनिया सुसी और अपनी दिल्ली ख्वाहिश सी कि यानी कि दुनिया सुने चलो जिस तरह अल्लाह ने मर्जी है हम सारे अपने सारे बंद की खुश करने हैं अस हाजिर हुए हैं अज दोपरा तो चलो तो शुरू सबसे पहले कड़ा कलाम परसो कलाम ही है मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरिफ खड़ी मीरपुर आज़ाद कश्मीर हमारे बहुत ही बड़े अल्लाह ने एक बहुत ही डूंगे किस्म ने एक उन्होंने उन्होंने गल इस कलाम और बड़े एक प्यारे ही और बड़े अच्छे ही तरबियत याफ्ता एक अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़े वली गुजरे इस दुनिया चो और असा बंदा ना चीज़ इस चीज़ ने इतना वत नहीं रखी सकना इलम बरखल ये आ कि चलो कोशिश कर सा कि तकने वाले सुनने वाले कि असा महसूस किया और खुश किया जाए और कलाम यम बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरिफ खड़ी दो चार शेर सुनी सुना सा कोशिश कर सा कि सुनगी पसंद अच्छे मियां बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि संगियां बेली आने वाले ने नाल के संगी बेली जो सुनी इन्होंने वाले ना उन्होंने क्या कुछ अपनी यानी कि किताब सुखने अंदर लिखा उन्होंने फरमाया कि सो सो जोड़ोए संगत दे डीठे ते आखर भी था पई शकलां याद नरियां ते आ सजना रल ओ गठियां पे चार दिहाड़े ते की लेना वे इत्थों
जिदा जनाब इकलाम ने सनाया असें बड़ा खूबसूरत अंदाज ही तो एक रिक्वेस्ट में की है कि असने परदेसी हैं जो बहर लोग भैन भ्रा उन्होंने बारे कुछ असं कलाम पेश करो तो करसो तो शुक्रिया प्रोफेसर का पेश करसो कलाम ये मैं कि परदेसी बारे में शेयर करके चलो की सनाया परदेसियों बारे में शुरू में कि परदेसी बड़ी अनमोल चीज है इंसानी जिंदगी अंदर बड़ा सबक मानसिक विकास होना परदेसी जो इंसान की कुछ दोस्तों ने भी फरमाइश की परदेस ने बारे में विषय शुरू में कि ते पाई वे पाइयां दे ओ दर्दी होंदे ओ पाई पाइयां दिया बां बाप सरांदे ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडी ते असी वे किसै दे ओ कुछ नहीं लगदे ते ना कोई साडा दर्दी ओ वतन कड ओ परदेसी की ताई जिमें सजन तेरी मर्जी वतन कदर वो परदेसी की ताई जिमें सजन तेरी मर्जी मैं हो अन्ना जो परदेस इंसान जाना ना तो उदू बड़े मुश्किल रस्ते भी इंसान के अंदर छे तो मैं बादशाह फरमाया कि मैं हो अन्ना ओ तिलकड़ रसता ते नित रवि कर क्यों समाना तक दे एक तू हथ पकड़वाला तक दे मन ओ वाले पोते एक तू हथ पकड़वाला माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत है अंदाज नासिक कलाम पेश किए दिल ले लिया सुन तुसा ने भी तो हम शाम का टाइम आया हुआ तो अगर तुसा व्यूअर्स कोई भी रिक्वेस्ट है कि अस कोई अपनी मर्जी ने कलाम भरवा तो भाई फैसल अस कि आने सुसमाने हाजिर हो जी तो जनाब शाम ही अजान आने तो खूबसूरत जी इंसान सुनी तो सुन चाहे गल बात करने हैं जी तो जनाब माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत है बड़े अच्छे अंदाज ना भाई फैसल अस कि शेर जड़े इमाम बख्श ने कलाम सुनाए न खूबसूरत अंदाज नाई फैसल भाई कुछ व्यूअर्स ने चाहत है कि माड़ी मर्जी ना मैं जो पसंद करने वो कलाम पेश करा तो उन्हें मैंने अच्छे रिक्वेस्ट की है तुम मैंने तो मनी है तो उन्हें जिले सो असें आखसो दस इतने हाजर तुम की कोई अपनी मर्जी ना ऐसा कोई कलाम भरा या कोई नात वगैरह कोई भी चीज़ तो रबता करे तो तुम कि खूबसूरत अंदाजा सुने पेश कर सौ तो चैनल की सब्सक्राइब करी छा लाइक तो कमेंट करी तो दस है कि असों कलाम खूबसूरत जो कैसे लगे नो मैं चाहना जल्द वसलाम शाम टाइम भी हो गया चलो ठीक है अल्लाह ने वाला है।